नमस्कार, मैं हूं राजीव ढोंडियाल। खबरें सुपर फास्ट में। अब सबसे पहले खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। उन्होंने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। कल राजस्थान के मासवाड़ा में रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सत्ता में आई तो लोगों का पैसा वो घुसपैठियों में बांट देगी। लगे हाथ उन्होंने अन्य विपक्षी दलों पर भी निशाना साधा और परिवारवाद के गंभीर आरोप लगाए। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। साथियों, कांग्रेस में भ्रष्टाचार ही शिष्टाचार है। साथियों, कांग्रेस जैसी पार्टियों के आपकी परवाह नहीं है। कांग्रेस जैसी पार्टियां सिर्फ अपनी संतानों के लिए काम करती है। आप सारे कांग्रेस के नेता देख लीजिए, वो अपने संतानों के लिए ही लगे हुए हैं। इंडी गठबंधन के सारे लोग अपने बच्चों को फिट करने में लगे हैं। और मोदी क्या कर रहा है? मोदी आपके संतानों के भविष्य के लिए खप रहा है। पीएम के बयान को लेकर कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों की नाराजगी सामने आई है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि पहले चरण में मतदान में निराशा हाथ लगने के बाद नरेंद्र मोदी के झूठ का स्तर इतना गिर गया है कि घबराकर वो जनता को मुद्दों से भटकाना चाहते हैं। खड़गे ने भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने जो कहा वो हेट स्पीच तो है ही, ध्यान भटकाने की एक सोची समझी चाल भी है। ओवैसी ने तो प्रधानमंत्री के बयान को मुस्लिम विरोधी बताते हुए पलटवार किया है। तो राहुल का ये ट्वीट, कहा कि झूठ का स्तर इतना गिर गया है कि घबराकर अब वो जनता को मुद्दों से भटकाना चाहते हैं। भारत लेकिन भटकेगा नहीं। उसी तरह मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष, उन्होंने भी ट्वीट करके निशाना साधा। कहा कि मोदी जी ने जो कहा वो हेट स्पीच तो है ही, साथ ही ध्यान भटकाने की एक सोची समझी चाल भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वही किया जो उन्हें संघ के संस्कारों से मिला है। तो वहीं AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि मोदी ने मुसलमानों को घुसपैठिया बोला है और ये कहा कि उनके ज्यादा बच्चे होते हैं 2002 से लेकर अब तक। मोदी की बस एक ही गारंटी है, भारत के मुसलमानों को गालियां दो और फिर वोट बटोरो। विपक्ष लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है। रांची में कल गठबंधन इंडिया की रैली हुई जिसमें तमाम विपक्षी नेताओं ने मोदी सरकार पर हमला बोला। जांच एजेंसियों के एक्शन को लेकर सवाल उठाए। हेमंत सोरेन केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सवाल उठाए गए और लगे हाथ कहा कि सरकार चाहे जितनी कोशिश कर ले वो डरने वाले नहीं है। हमारे दो मुख्यमंत्री को आज जेल में डालने से हम खत्म नहीं होने वाले हैं। और हम मैं ये कहूंगा, मोदी जी आप खूब कोशिश करो, मोदी जी आप खूब कोशिश करो हमको मिट्टी में दबाने की, लेकिन हम उगते रहते हैं क्योंकि हम बीज हैं। बीज उगता रहता आप कितना भी मिट्टी में दबाओ। हम तो कहते हैं भाजपा के तीन जमाए, ईडी, आईटी, सीबीआई, यही है। उन लोगों को लगा दिया गया भाई, हेमंत सोरेन जी को जेल में डाला गया, संजय सिंह जी जेल रह करके आ रहे और केजरीवाल जी को जेल डाला गया। इससे पहले मेरे पिता पर, पिता को जेल भेजा गया। हम पे कई केस मुकदमे हुए लेकिन हमारा गठबंधन का कोई नेता इस बीजेपी के गीदड़ भपकी से डरने वाला नहीं है। हम लोग इनसे डरेंगे? इनको पता भी है कि हमारे भगवान
भगवान श्री कृष्ण का जन्म ही जेल में हुआ था। रांची की विपक्षी रैली के दौरान मारपीट की घटना भी हुई। रैली में शामिल होने के लिए पहुंचे समर्थक एक दूसरे पर कुर्सियां फेंकते नजर आए। वहां पर समर्थक आपस में ही भिड़े तो फिर बीजेपी को तंज कसने का एक मौका मिला। इंडिया गठबंधन की रैली को लेकर बीजेपी ने हमला बोला। विपक्षी नेताओं ने केंद्र सरकार पर सवाल उठाए तो बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि यह भ्रष्टाचारियों और परिवारवादियों की रैली थी। तो कहते थे कि स्वार्थ का गठबंधन है, चुनाव आगे बढ़ेगा, घूसे चलेंगे, अब कुर्सियां चल रही हैं, लोग घायल हो रहे हैं, तो इनमें क्या एकता है ये देश देख रहा है। ये जब आपस में एक नहीं रह सकते देश को क्या एक करेंगे, ये स्पष्ट। इस रैली में दो ही चीज है, जितने भ्रष्टाचारी हैं जो जेल में बंद हैं या जेल में बंद होने वाले हैं वो, या नहीं तो जो किसी न किसी परिवार के सदस्य हैं दीदी, वो यही दो लोग जो है इस रैली में आए हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कर्नाटक के हुगली पहुंचे, जहां पर उन्होंने नेहा हिरेमत के परिवार वालों से मुलाकात की। और कुछ दिन पहले हुगली के विद्यानगर में कांग्रेस पार्षद की बेटी की फयाज नाम के युवक ने हत्या कर दी थी। परिवार वालों से मुलाकात करके नड्डा ने सीबीआई जांच की मांग की। वर्तमान सरकार जिस तरीके से अपीजमेंट पर, तुष्टीकरण पर चली है, उसको कर्नाटक की जनता माफ नहीं करेगी। और पुलिस भी इस केस की बारीकियों में जाए, क्योंकि देश और जनता इंतजार कर रही है इस घटना की बारीकियों के को सामने रखने के लिए और इसके इन्वेस्टिगेशन, थोरो इन्वेस्टिगेशन के लिए। इसका इन्वेस्टिगेशन यदि स्टेट पुलिस असमर्थ है तो मैं सरकार को कहूंगा, प्रदेश को, कि वो सीबीआई को हैंडल करे। भारतीय जनता पार्टी इसमें पूरा सहयोग करेगी। दूरदर्शन के लोगों का रंग बदलने पर अब सियासत हो रही है और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों को उन्होंने उन पर निशाना साधते हुए कहा कि आखिर किसी को भगवा से परेशानी क्या हो सकती है। आज दूरदर्शन का लोगो अगर भगवा हो जाता है, क्या आपको भव्य रंग से कोई पीड़ा है? भाई हाँ या ना में जवाब दीजिए जोर से। क्या आपको भव्य रंग से कोई पीड़ा है? क्या भगवा रंग आपको कोई कष्ट देता है? क्या भगवा रंग आपकी आंखों में छुपता है? तो कांग्रेस की आंखों में क्यों छुपता है? ये डीएमके के स्टालिन की आंखों में क्यों छुपता है? ये ममता बनर्जी की आंखों में भगवा रंग क्यों छुपता है? और ये भगवा रंग का विरोध क्यों करते हैं? क्यों करते हैं भगवा रंग का विरोध? मैं पूछना चाहता हूं ममता बनर्जी से। क्या इतना गिर जाओगे कि आज भगवा का विरोध करना शुरू कर दोगे? देश के कोने कोने में बीजेपी के ताबड़तोड़ रैलियां और रोड शो जारी है। आज चुनावी रण में प्रधानमंत्री मोदी अलीगढ़ का रुख करेंगे, जहां पर वो दोपहर 2 बजे रैली को संबोधित करेंगे। वहीं जेपी नड्डा और अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। नड्डा आज बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर में रैली करेंगे, जबकि अमित शाह की कांकेर में चुनावी सभा है। जेल में केजरीवाल को इंसुलिन मिलेगी या फिर नहीं, इस पर आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में फैसला होना है। इस पर कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। दिल्ली की अदालत में यह फैसला स्पेशल जज कावेरी बवेजा सुनाएंगे। हफ्ते भर से केजरीवाल को इंसुलिन नहीं देने को लेकर आम आदमी पार्टी हंगामा कर रहे, और इसी पर अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने रांची में विपक्ष की रैली में गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि ये लोग मुख्यमंत्री को मारना चाहते हैं। उनके खाने पे कैमरा लगाया हुआ है, कैमरा एक एक निवाले पे उनकी नजर रखी है। कितनी शर्म की बात है। शुगर के मरीज हैं, 12 साल से इंसुलिन ले रहे हैं,
50 यूनिट हर रोज लेते हैं, लेकिन जेल में इंसुलिन नहीं देंगे। मारना चाहते हैं ये लोग दिल्ली के मुख्यमंत्री को। अब खबर हैदराबाद की, जहां से ओवैसी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता की मुश्किलें बढ़ गई और उन पर एफआईआर दर्ज हो गई है। मामला रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान सांकेतिक रूप से तीर चलाने का है। आरोप है कि उन्होंने मस्जिद की ओर इशारा करके सांकेतिक रूप से तीर चलाए। एफआईआर दर्ज होने के बाद माधवी लता ने कहा कि फर्जी वीडियो के आधार पर एफआईआर दर्ज हुई है। उन्होंने कहा कि मुस्लिमों को भड़काने का आरोप बिल्कुल बेतुका और झूठा है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महाआर्यमन का भी चुनावी प्रचार में वो भी उतरे हुए दिखाई दिए। अपने पिता के प्रचार के लिए वो एक गांव में पहुंचे, जहां पर उन्होंने आदिवासियों के घर पर भोजन किया। आदिवासी महिला ने लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाया और उनके बगल में ही बैठकर महाआर्यमन ने सिकती गर्मागर्म रोटियों का लुत्फ उठाया और वो करीब 20 मिनट तक वहां पर रुके। बहुत बेहतरीन चटनी बनी है, चटनी बहुत बेहतरीन मासूम लग रही है। अब खबर दिल्ली के गाजीपुर लैंडफिल साइट में लगी हुई आग की। कल शाम से ही आग सुलग रही है, धुएं का गुबार आसमान छू रहा है। इस वजह से लोगों की भी मुश्किलें बढ़ गई और पूरी रात आग को बुझाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चला। दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई है और इसे लेकर बीजेपी ने केजरीवाल सरकार और एमसीडी पर निशाना साधा है। बीजेपी ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली लंदन तो नहीं बनी, लेकिन कूड़े के पहाड़ों पर बार बार लग रही है आग। लगता है कि राजधानी को राख बनाकर ही छोड़ेगी। अब बीजेपी नेता सुबह 9:30 के करीब गाजीपुर में पहुंचेंगे, हालात का जायजा लेंगे। उधर बीती रात दिल्ली के डिप्टी मेयर अली मोहम्मद इकबाल मौके पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि गर्मी और मौसम में ड्राइनेस की वजह से आग लगी है। आग पर काबू पाने के लिए 5 एक्समीटर और दमकल की गाड़ियां मौजूद हैं। चीन के गुआंगडोंग में भारी बारिश के कारण बाढ़ आ गई है। बारिश और बाढ़ की तबाही की तस्वीरें सामने भी आए हैं। कई इलाके भारी भूस्खलन के चलते ध्वस्त नजर आ रहे हैं। चारों तरफ तबाही का मंजर दिख रहा है और बाढ़ के हालात का अंदाजा आप इन तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं। मौसम विभाग ने आशंका जताई है कि बाढ़ और बारिश का कहर अभी और बढ़ सकता है।